पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने क्या सीखा है, याद है क्या सीखा हम लोगों ने? टेंस मॉडल्स बदलना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलना, ना? ये दो क्लासेस में, और हम श्योर है कि आप समझ गए होंगे इसको। तो रिवीजन वगैरह आप लोग की हो रही है, प्रैक्टिस सेट दिया गया है, उसका थोड़ा सा बनाया करो, है ना? प्रैक्टिस सेट है ना आप लोग के पास, तो प्रैक्टिस सेट से थोड़ा सा रिवीजन किया कीजिए और उससे ही स्ट्रांग होगा ये सारी चीज़ें। खैर, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को बदलते हैं तो क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में पांच भिन्न भिन्न तरह के वाक्य रहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच क्लियर हो, इन्वर्टेड कोमा से जो बाहर का भाग है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो भाग है वो रिपोर्टेड स्पीच। जैसे एक उदाहरण यहां देखते हैं, आई शेड, ही इज कमिंग, ठीक है, आई शेड ही इज कमिंग। इसमें ये जो आई शेड है ये क्या है, बोलिए क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये अंदर में जो है इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच और ये रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। सारा गेम, सारा खेला किसमें है? रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ भी नहीं रहता है, है ना? रिपोर्टिंग वर्ब में क्या रहता है? आई सेड, ही सेड, यही सब ना रहता है, उसमें तो कुछ खास नहीं है। मेन खेला कहाँ है? रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टेड स्पीच में चीजें क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में हमें पांच भिन्न भिन्न तरह के वाक्य दिखेंगे, तो वो पांच वाक्य, भिन्न भिन्न तरह के पांच वाक्य, नरेशन का ये कौन सा लेक्चर है? तीसरा। लेक्चर थ्री। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच में कितने तरह के वाक्य हैं वो देखो आप। पहला होता है असर्टिव, है ना, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव भी कह देते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव, है ना। तीसरा है ऑप्टेटिव, चौथा है इंपरेटिव, और पांचवा और आखिरी है एक्सक्लामेटरी, है ना। फर्स्ट असर्टिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव, थर्ड ऑब्जेक्टिव, फोर्थ इंपरेटिव और लास्ट में एक्सक्लामेटरी। असर्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों पॉजिटिव निगेटिव, समझे? कहिए कि नहीं समझ में आता है, जो डाउट है एकदम क्लियर बोलो कि सर नहीं समझ में आता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, ही सेड, I am going. He said, I am going. Sorry. I am going. ये हो गया असर्टिव। या फिर ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है? असर्टिव, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? असर्टिव। इसको तो अभी तक आप बना ही रहे थे, बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे? कि नहीं बना रहे थे ना। क्या करते थे? जब सेड रहता है तो सेड ही लिख देते हैं और सेड टू के स्थान पर टोल्ड लिखते हैं,
और इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगाते हैं। ये तो हम लोग बना रहे थे कि कोई डाउट है, तो ये बना चुके हैं, इसके लिए अब अलग से मेहनत करने की हमें जरूरत नहीं है। अब हमें कहां से मेहनत करनी है, यहां से इंट्रोगेटिव से ना, हमें यह सीखना है कि अगर इंट्रोगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव समझ रहे हो, प्रश्न, जैसे यहां है ही सेड आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं कहीं भी, ही सेड आई एम नॉट गोइंग, इसमें हुआ उसने कहा मैं जा रहा हूं और दूसरे वाला में क्या है, उसने कहा मैं नहीं जा रहा हूं, तो पॉजिटिव और निगेटिव। अच्छा अगर ऐसा हो कि ही सेड एम आई गोइंग ना, क्या मैं जा रहा हूं, या व्हेन एम आई गोइंग, मैं कब जा रहा हूं, तो दोस्तों दोनों में क्वेश्चन किया गया है ना, एक में किया गया क्या कि मैं क्या मैं जा रहा हूं, और दूसरे में क्या किया गया, मैं कब जा रहा हूं, क्लियर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज किया जाता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस कौन सा हो इंट्रोगेटिव हो तो उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, क्लियर हो। अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है पिछले दो लेक्चर्स में कि ही सेड आई एम गोइंग रहेगा तो ही सेड का सेड लिखेंगे, और सेड टू रहेगा तो क्या लगाएंगे, टोल्ड ना, इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट, और जैसे भीतर घुसेंगे तो जो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से सेकंड पर्सन, ये तो पिछले दो लेक्चर्स में हम लोग सीख रहे हैं, क्या कोई डाउट। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे इंट्रोगेटिव ये किया जाता है। तो देखो क्या है, हम एग्जांपल दो ले रहे हैं, इसको देखिएगा, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स वर्ड आउट मतलब उदाहरण, जिसको क्या किया गया है, हल किया गया है, यानी उदाहरण ही खाली नहीं है, उसका हल भी है, यानी सॉल्यूशन भी है। तो देखते हैं क्या है, रवि सेड टू मी हैव यू टेकन रवि सेड टू मी हैव यू टेकन माई बुक, रवि ने मुझसे कहा क्या तुमने मेरी किताब ली है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो रवि सेड टू मी हैव यू टेकन माई बुक, अब देखो हम यहां बना रहे हैं, और कैसे बना दिया ये हम बाद में समझाएंगे, पहले बनाते हैं। तो रवि अब यहां नोटिस करो कि हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, है ना, क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो देखो यहां क्या था, सेट टू था, यहां क्या किया आपने, जो जो चेंज किए खाली उसको गौर करो। आदमी में कैपेसिटी इतनी जबरदस्त रहती है, अगर वो मेंटल ब्लॉकेज से नहीं गुजर रहा, मेंटल ब्लॉकेज समझे, हमको समझ में नहीं आएगा, सब समझ लेगा लेकिन हमको समझ में नहीं आएगा। अगर ये मानसिकता के साथ आप क्लास करते हो तो आपको चीजें सही में समझ में नहीं आती हैं। तो देखो क्या अनोखा किया, क्या रॉकेट साइंस आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम सिंपल सी बात है, सेड टू को हटा के क्या किया, आस्ड, रवि आस्ड मी। अभी तक क्या करते थे, सेड को हटा के सेड ही लिखते थे और सेड टू के जगह पर टोल्ड लिखते थे, लेकिन प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव आया है, तो जब इंट्रोगेटिव आया है तो इंट्रोगेटिव में क्या किया, सेड टू को हटा के क्या लगाया, आस्ट। आपको क्लियर है, पीछे की दोनों क्लासेस की थी नहीं कि वीडियो देखेंगे, तो रवि सेड टू, तो सेड टू के जगह क्या लगा दिया, आस्ट, तो रवि आस्ट मी, ये क्या है, इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या किया, यानी दो चीज क्लियर हो गया कि सेड रहेगा तो भी आज। अच्छा पीछे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेड के बदले सेड,
सेड टू के बदले टोल्ड नहीं पढ़ रहे थे। आज क्या समझना है कि चाहे सेड, यहां खाली यही रहता रवि सेड हैव यू टेकन माय बुक, तो भी हमें क्या लगाना था आज, क्लियर। सेड टू के लिए भी आज, इसको मैं जोर जोर देकर के कह रहा हूं कि सेड भी रहेगा तो भी आज, सेड टू भी रहेगा तो भी आज, क्लियर। तो सेड टू के लिए लगाए यहां आज, रवि आज मी, इनवर्टेड कोमा के बदले क्या लिए, एकदम से क्लियर हो। अब देखो खाली क्या करना है, यू हैव टू चेंज द इंट्रोगेटिव सेक्शन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इनटू असर्टिव फॉर्म, इनटू स्टेटमेंट। इसके इंट्रोगेटिव वाले भाग को किसमें बदलना है, कथन में। कथन मतलब समझे, प्रश्न जब रहता है तो सहायक क्रिया आगे रहती है, और जो कथन होता है तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब जो है ऐसे लेते हैं, ये लेते हैं, यानी सब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं आगे। तो हैव यू टेकन माय बुक में सब्जेक्ट क्या है, बोलेंगे यू ना, एक यू को आगे करोगे और हैव को क्या करोगे पीछे, बस इतना करना, कुछ अनोखा नहीं करना। हैव यू टेकन माय बुक को क्या मान करके चलेंगे, यू हैव टेकन माय बुक, बस यही। क्या किया मैंने, सब्जेक्ट को आगे कर लिया और सहायक क्रिया को। अच्छा अगर कहेंगे क्या तुम जा रहे हो का कथन बताओ, तो क्या होगा, तुम जा रहे हो। अरे क्या तुम जा रहे हो को अगर कथन में बदलेंगे, स्टेटमेंट में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, तुम जा रहे हो। आर यू गोइंग ना होकर के क्या होगा, यू आर गोइंग। कुछ अनोखा है क्या, कुछ बहुत विचित्र सा है क्या, एकदम सिंपल है ना। क्या करेंगे, सब्जेक्ट को आगे और सहायक क्रिया को क्या कर लेंगे बाद, या क्रिया अगर डायरेक्ट है तो वो भी बाद में। तो अब देखो हम यू को पहले मान रहे हैं, यू सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। एकदम फटाफट जवाब देते जाओ, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से रटा है आप लोगों का, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, याद नहीं भूल गए क्या, ये वाला फॉर्मूला भूल गए, एस ओ एन 1 2 3, ये लिखा है ना पहली क्लास में, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के, और थर्ड पर्सन बदलाव नहीं होगा, नो चेंज। तो यहां यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो ऑब्जेक्ट यहां क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, एकदम से क्लियर, की डाउट नहीं, डाउट हा? और पिछले क्लास में एक चार्ट लिखा है थे टेंस बदलने वाला, तो उसमें क्या लिखा है, हैज और हैव को किसमें बदलते हैं, याद है। कभी कभी बीच में देखो, ऑनलाइन का एक और फायदा है, फायदा क्या है, यू कैन रिवाइंड द वीडियो। ऑफलाइन में क्या होता है, जो चीजें मैंने अभी पढ़ाई है वो अभी पढ़ा, और कुछ बातें डाउट रह गई तो फिर पता, लेकिन जो वीडियो अवेलेबल है हमारे पास तो उसको एक बार और देख सकते हैं कि सर क्या समझा रहे हैं। तो उसमें लिखा है तक हैज हैव बदल करके क्या कर देंगे, हैड, तो आई हैड, यहां तक क्लियर कि डाउट, नो डाउट, डाउट एकदम से क्लियर। आई हैड टेकन, अब ये क्या है, माई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट यहां क्या है, रवि, तो रवि का रिलेटिव केस में क्या करेंगे, हिज लिखेंगे, लड़का के लिए क्या लिखेंगे, हिज। ये क्लियर है आप लोग का कि अभी भी डाउट है, एकदम क्लियर है। तो कैसे बना, तो फिर से एक बार आ रहे हूं, सेड टू को हटाया, क्या लिखा आज, इनवर्टेड कोमा को हटा के, एकदम एक चीज याद रखना है हमेशा हम लोगों को कि बाहर में, बाहर मतलब रिपोर्टिंग भर में, ना तो हम सब्जेक्ट बदल सकते हैं, ना तो ऑब्जेक्ट, यानी ना तो हम रवि को कुछ करेंगे, रवि का रवि लिखेंगे और मी का मी ही लिखेंगे। बाहर में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बदलता, बदलता है क्या, बोलिए हाँ या ना, नहीं बदलता ना, तो बदलता कहां है, रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर में। तो रवि सेड टू मी का क्या लिखा, रवि आस्क्ड मी, इनवर्टेड कोमा हटा के क्या लिखे, इफ, हैव यू को क्या कहा था, सीधा कीजिए, यानी हैव को बाद में लिखिए, यू को आगे कीजिए, तो यू हो गया सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब, यहां ऑब्जेक्ट क्या था, मी, तो मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, आई, हैव का क्या हो गया, हैड,
टेकन माई बुक, माई हो गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के हिसाब, तो अपना सब्जेक्ट क्या था रवि, तो रवि का रिलेटिव ही हो गया। एकदम बच्चों जैसा खेला है, चुटकी में बनाने वाला, कुछ है ही नहीं इसमें। अब एक तो इस तरह का इंट्रोगेटिव रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, ये मिटाते ना, रवि सेड टू मी व्हाई हैव यू टेकन माय बुक, क्या परिवर्तन है दोनों वाक्यों में? सर इसमें आईपीएल क्या है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, इसमें क्या है डब्ल्यू एच, इसमें डब्ल्यू एच है सेम। देखो हैव यू टेकन माय बुक, हैव यू टेकन माय बुक इसमें भी है, खाली एक नया चीज क्या आ गया व्हाई, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, तो इसमें कुछ तो परिवर्तन आएगा, क्या परिवर्तन आएगा ये गौर कीजिएगा आप लोग। रवि ये बताइए क्या बदला, कुछ बदला, कुछ सब कुछ नहीं बदला, कुछ बदला, क्या बदला वो बताइए। देखो यहां भी आज था, यहां भी आज ही है, बाकी इधर देखो रवि आज में यहां था, रवि आज में ही है। मैं तो जोर देकर के बार बार कह रहा हूं, बाहर का छेड़छाड़ नहीं होता है, खाली सेड और सेड टू में कुछ करना है ना, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को छेड़ना नहीं है, जो है वही लिख देना है। यहां क्या किया था, इफ किया था, यहाँ है इफ, कहीं है वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो क्या आ गया जो वाई था वही वाई रह गया, यानी इसका मतलब क्या होगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डब्ल्यू एच क्वेश्चन रहे, डब्ल्यू एच समझ रहे हो, क्यों कहाँ कैसे कब वाई व्हेन वेयर है ना, हाउ, अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन रहेगा तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन रहने पर हम इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर कुछ नहीं लेंगे, समझ रहे हो, जो डब्ल्यू एच रहेगा उसी डब्ल्यू एच को क्या कर लेंगे उतार देंगे, उसी डब्ल्यू एच को क्या कर लेंगे उतार। तो यहां क्या था वाई, वाई का वाई लिख दिए, अगर वाई हम किसके बदले ले रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के बदले, तो बचता क्या है, हैव यू टेकन माय, अब हुआ ना आसान, तो हैव यू टेकन को क्या कर लो सीधा कर लो, हैव यू टेकन को क्या करो यू हैव टेकन माय ना, तो यू का फिर उसी हिसाब से बदलो, फिर एक बार देखते हैं, यू हो गया सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से ऑब्जेक्ट के, मी का क्या हो गया आई, हैव का हो गया हैड, टेकन माई बुक माई रवि के हिसाब से बदल के क्या होगा हिज। और एक चीज, जहां जहां प्रश्नवाचक चिन्ह है वो हट करके क्या हो जाता है पूर्ण विराम फुल स्टॉप, एकदम से क्लियर हो, यही तो है इंट्रोगेटिव, इसमें अनोखा कुछ है ही नहीं जिसको लेकर के एकदम हम आंसू बहाएं कि बाप रे बाप कैसे बनेगा। देखो हम बार बार कह रहे हैं मानो तो कोई चीज कठिन है, आदमी मन से जीतता है और मन से ही हार जाता है, अगर मन मजबूत है तो एक लंगड़ा आदमी भी हिमालय पर चढ़ सकता है, और मन कमजोर है तो हाथ पैर रहते हुए भी कई लोगों को देखा होगा साइकिल तक नहीं चलाना आ सकता। क्या यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, यू हैव टू बी मेंटली फिट To achieve the pinnacle of the success, आपको अचीव करना है बड़ा बड़ा लक्ष्य को, अगर अचीव करना है तो शरीर नहीं दिमाग से मजबूत होना होगा। आप अभी भी टॉपर बनने के लायक हो, आपने खोया कुछ नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है, बहुत अवसर है, क्योंकि अभी तक जो आपने स्टडी की थी वो कई चीजें क्या हो गई दिमाग से उतर गई, लेकिन अभी इस समय जो पढ़ोगे वो सीधा कहां चला जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। और ये जो कॉन्फिडेंस हमेशा हम आपको कहते हैं कॉन्फिडेंस कम्स थ्रू प्रैक्टिस,
आदमी में आत्मविश्वास किससे आता है? प्रैक्टिस से। इसीलिए हमने आप सब लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया, ढूंढ करके उससे प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। और ऐसा हो नहीं सकता है, यू विल नेवर बी ए टीच स्टूडेंट, यू विल बिकम इन अपकमिंग टाइम यू विल बिकम अ टीचर, यू विल बी कैपेबल एनफ टू टीच एनीबॉडी नरेशन। आप जब अभी पढ़ रहे हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप स्टूडेंट नहीं रहोगे, आप टीचर हो जाओगे, अपने छोटे भाई को भी सिखाओगे नरेशन ऐसे बनाया जाता है। तो ये समझ गए इसको ना? अब इतना से काम नहीं चलने वाला है। अब हम लोगों को हाँ बोलिए, रिपोर्टिंग स्पीच में सर, रिपोर्टिंग वर्ब में जब ऑब्जेक्ट ना रहे और यहाँ सेकंड पर्सन रहे तो? अभी नहीं बताया वो एक्स्ट्रा में जो बताएंगे ना, जैसे देखो एक्स्ट्रा में ही क्या रहेगा, ये देखो एक्सक्लामेटरी तक बताएंगे ना, एक्सक्लामेटरी के बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताएंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट समझे, कि जो आपने क्वेश्चन किया कि सर अगर अंदर में सेकेंड पर्सन यू योर है और बाहर में ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि एज यू नो दैट द सेकेंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अगर अंदर में यू योर है तो वो किसके हिसाब से बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। बट इन केस देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्वियसली यू विल आस्क मी सर इन दैट सिचुएशन व्हाट शैल आई डू, कि अगर ऑब्जेक्ट बाहर में है ही नहीं सर तो हम कैसे यू योर को बदलेंगे? आप लोग समझ रहे हैं इन्होंने क्या क्वेश्चन किया? Yes, एक उदाहरण यहां ले रहे हैं, ही सेड, सॉरी ही सेड इनवर्टेड कॉमा यू आर प्लेइंग, जैसा मैं समझ रहा हूं कि आपने यही क्वेश्चन किया था ना, ही सेड यू आर प्लेइंग, तो आपको लगे अरे बाप इतना हम तो माहिर हो गए नरेशन का, ये तो बड़ा आसान दिया। लेकिन जब बनाना शुरू करो तब देखो क्या पता चलेगा, ही सेड का सेड लिख लिया आपने, इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा लिया, क्योंकि ये सीधा वाला सेंटेंस है। अब जैसे हम अंदर घुसे पहली नजर हमें किस पर पड़ी? यू पर, और हम लोग को रटा गया है कि यू क्या है? सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन बदलता है बाहर के ऑब्जेक्ट, लेकिन बाहर में कहीं ऑब्जेक्ट नहीं है, है क्या? तो फिर अकबर कहा जाओगे जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हम बदले कैसे, ये क्वेश्चन कर रहे हो? तो ये वाला चीज आपको एकदम लास्ट में समझाया जाएगा, इसके साथ ही क्लास खत्म हो जाएगी आज की, नहीं अगले लेक्चर्स में। तो बस इसका खाली ये रखिए कि इसमें कोई काल्पनिक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, काल्पनिक समझे, मन से कुछ भी ले लेंगे, जैसे यहां मान लेंगे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, अब मी के हिसाब से अंदर बदल लो। यू आर फ्री टू टेक एनी ऑब्जेक्ट व्हाट एवर यू वांट टू, व्हिच एवर यू वांट टू, आप जो ऑब्जेक्ट लेना चाहो आप ले सकते हो इस केस में, लेकिन यू विल हैव टू मेंशन दैट ऑब्जेक्ट इन योर आंसर, आपको अपने आंसर में उसको लिखना होगा, ये नहीं सर मन में ही रखे थे मी, इसी के हिसाब से क्या किए हैं बदल दिए, नहीं वो लिखना होगा क्या कि ही टोल्ड मी, समझ रहे हो? खैर अभी अगर सब चीज को मथोगे ना तो जो चीजें आगे में है वो समझ में नहीं आएगी, तो पहले हम लोग यहां पर ही आ जाते हैं कि क्या है। तो रवि आज मी व्हाई आई हैड टेकन हिज बुक, तो क्या क्या रूल्स है, रूल्स देखते हैं। सॉरी सारा गेम चलेगा यही रूल पर, तो पहला क्या, सेड और सेड टू किसमें चेंज होगा? Asked. Said या said to क्या बन जाएगा? क्लियर हो कि डाउट रह गया? एकदम क्लियर। दूसरा ऑन द प्लेस, ऑन द प्लेस ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास, ऑन द प्लेस ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास क्या लगाना है? लगाना है इफ। एक और है
इफ या वेदर, इफ लगा सकते हो या फिर क्या लगा सकते हो, वेदर। तो वेदर थोड़ा सा लंबा कहीं स्पेलिंग मिस्टेक ये सब, तो इसलिए हमने क्या कहा आप एकदम आजाद हो, ये नहीं क्वेश्चन कीजिएगा सर इफ लगाएंगे कि वेदर लगाएंगे। आप चाहो तो इफ ना लिख करके क्या लिखो, वेदर लिखो, वेदर ना लिख करके इफ लिखो, एकदम से क्लियर। तो हम क्या क्या शुरुआत कहां से करते हैं, जब बदलते हैं नरेशन, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं सबसे पहला बदलाव क्या करते हैं, यही ना सेट या सेट टू का। तो इसके इसका हम लिख दिए। दूसरा बदलाव कहां करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। तीसरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड, रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू स्टेटमेंट या असर्टिव, जो भी कह सकते हो। रिपोर्टेड स्पीच को किस में बदलते हैं, स्टेटमेंट में, यानी कथन। कथन समझ गए आप लोग या खाली मेरे कहने पर बार बार हाँ हाँ किए जा रहे हो। कथन मतलब आर यू गोइंग ना करके क्या करेंगे, यू आर गोइंग, सब्जेक्ट को आगे कर लेंगे और सहायक क्रिया को पीछे कर लेंगे, बस उसके बाद बनाइए, देखिए कितना आसान हो जाता है। समझ रहे हैं आप? फिर अभी हम कुछ देर पहले क्या कहा था उन्हें कि आप ये मन से हटा दो कि हम पीछे का क्लास नहीं किया। आज की भी वीडियो आप देखोगे तीनों को लिंक कर लोगे तब समझ में आ जाएगी चीजें। आगे बढ़े तो क्या क्या हुआ, सेड या सेड टू की जगह पर क्या लगाया आस्ट, दूसरा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगाएंगे इफ या वेदर, और तीसरा क्या क्या इसमें आप लोग फंस रहे हो क्या, ये जो स्टेटमेंट वाला लिखे खाली क्या करना है, हैव यू को क्या कर लेना है, सब्जेक्ट आगे और सहायक क्रिया पीछे, उसके बाद वाक्य को बदलो। चौथा और आखिरी जो है चौथा, क्वेश्चन ऑन द प्लेस ऑफ, अच्छा इंग्लिश से लिख रहे क्लियर हो कि हिंदी भी लिख दे, हाँ हिंदी तो समझा ही दे रहे हैं। ऑन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क फुल ना, क्वेश्चन मार्क को हटा के क्या लिखा है देखो समझो, ऑन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। आप लोग तो मैंने ये सब आदत पड़ गई चूंकि आप इंग्लिश हिंदी दोनों से पढ़ते हो, तो हमारे स्टूडेंट्स को कभी हमको डाउट नहीं रहता है समझ में आएगा कि नहीं आएगा, वो तो बहुत कमजोर छात्र जो रहते हैं उनको समझाना माथा पकाना पड़ता है। आप लोग तो फटफट जो लिखा रहता है वही देख करके समझ जाते हो। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लगाना है हमें, फुल स्टॉप, क्लियर हो। और लास्ट जो हम नोट में लिख रहे हैं खाली उसको याद रखिएगा, नोट इफ देयर इज डब्ल्यू एच क्यू, डब्ल्यू एच क्यू समझे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, व्हाट व्हेन वेयर ये सब ना, हाउ ये सब क्या है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन रहेगा, इफ देयर इज डब्ल्यू एच क्यू इन द, कहां रहेगा बाहर में, इन द रिपोर्टेड स्पीच देन द सेम डब्ल्यू एच क्यू इज प्लेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास ना, समझ में आई बात। इसको हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, थोड़ा लंबा हो गया। अगर रिपोर्टेड स्पीच
मैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो तो इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हटाकर उसी क्वेश्चन को रखा जाता है। समझ में आया? यानी कि अगर डब्ल्यू एच रहेगा तो क्या नहीं लगाना है, इफ या वेदर नहीं लगाना है। एकदम दिमाग में क्लियर हो? हाँ, उसी डब्ल्यू एच क्यू को रख दोगे? हम पीछे जाए क्या, एक बार देख लेते हैं, एक बार एक मिनट के लिए, फिर हम ला देते हैं उसको। देखो, रवि सेड टू मी, हैव यू टेकन माई बुक? फिर से बना लेते हैं। तो जो रूल कहता है सेड या सेड टू के जगह पर क्या लगा लेंगे, आस्ट, लिख लिए आस्ट। इन्वर्टेड कॉमा, ऑन द प्लेस ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास क्या लगा देना, इफ या वेदर। तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या किया, इफ। तीसरा, यही रूल पर ही बनता है, सारा खेल उसी पर है। रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इन टू स्टेटमेंट, इसको किस में बदल देना, कथन में। यानी प्रश्न को सीधा कर लो, यानी हैव यू को क्या करो, यू हैव। तो यू हो गया सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई हो गया, मी के हिसाब से हैव का बदल के क्या हो गया, हैड। टेकन माई हो गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट। रवि के हिसाब से क्या हो गया, हिज। क्लियर हो? अब इसमें क्या था, रवि सेड टू मी व्हाई हैव यू टेकन माय बुक, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो रवि आस्क्ड मी, सेम सारा रूल वही रहेगा, रवि आस्क्ड मी। अभी हमने लास्ट में क्या लिखा था नोट में, कि डब्ल्यू एच रहने पर वही डब्ल्यू एच लिखना है, किसके जगह पर, इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लिख दिया, व्हाई। अब तो बचा क्या, हैव यू टेकन माय, तो उसको खाली सीधा कर लो, यू को आगे कर लिए तो यू के हिसाब से आई, हैव का क्या हो गया, हैड। टेकन हिज बुक। एकदम से क्लियर हो ना? और दो मिनट के लिए खाली टाइम देना घर पर, दो मिनट, ज्यादा नहीं आपसे मांग रहा हूं, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं अब इंट्रोगेटिव आपको तंग नहीं करेगा। क्लियर हो? आज भर के लिए इतना ही। आप लोग इसको अगले क्लास में हम लोग किसको पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव इंपरेटिव, ये सारा सेक्शन। कोशिश करेंगे अगले क्लास में दोनों को एक ही साथ ले लें, ऑप्टेटिव और इंपरेटिव को। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।